राजन सेंट्रल जेल कराची के कैदिन 10 क्लास जा इम्तिहान दिना रिपोर्ट कह रहे हैं अब्दुल्ला सोलंकी। कराची के सेंट्रल जेल में तालीम प्रहंदड़ अदलोट उम्र के कैदिन पेंजे 10 क्लास जा इम्तिहान दिना है। जेल के 25 कैदिन उम्र कैद समेत मुख्तलिफ डोहन में सजा याफ्ता शागिर्दन का मैट्रिक बोर्ड ए जेल इंतजामिया इम्तिहान वरता। इम्तिहान दींदड़ कैदिन केटीएन न्यूज से गलाइंदे चयो त जेल में रही तालीम हासिल कई ए अज मैट्रिक जो इम्तिहान डेई रहा आयूं। यहाँ पे बहुत सहूलत दी गई जेल इंतजामिया ने, आप कायदे से लेके मैट्रिक 5 क्लास तक पढ़ाते हैं, उसको जब ट्रेन हो जाता है तो फिर उर्दू अदीब करवाते हैं, कोर्स करवाते हैं, फिर हम 9-10 के दे दें, उर्दू अदीब के दे दें, पेपर हर चीज़ की सहूलत है, कंप्यूटर की भी, कुरान पाक सीखने की, मैं कुरान पाक भी जेल में सीखा हूँ। जेल इंतजामिया ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करा, मुझे कायदे से सिखाया, मुझे 5वीं तक, 5वीं से फिर मुझे पिछले साल 9-10-9 का दिया मैट्रिक का, अल्लाह पाक के हुक्म से। पूरी तालीम आपने यहाँ से हासिल? बिल्कुल यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे हासिल करी है। मैंने बाहर पढ़ा लिखा नहीं था, ना मैं कुरान पाक पढ़ा था, ना वैसे तो मेरी 6 साल सजा है। अच्छा। लेकिन अभी मेरे को 8 साल हो गए, आर्मी की सजा मेरे को 6 साल की, आर्मी ने 4 साल अपने पास रखा और 1.5 साल मेरा पिछला पीरियड हुआ, उन्होंने काउंट नहीं करा, अभी आर्मी की सजा मेरी 3.5 साल बाकी है। तो आप बाहर निकल के भी पढ़ेंगे? इंशाल्लाह कोशिश होगी मेरी, अल्लाह ने मुझे सबसे बड़ी कुरान पाक की तालीम दी है, बहुत मैं इतना शुक्र जितना अल्लाह का करूँ वो कम है। सर मुझे उम्र कैद की सजा है और मैंने माशाल्लाह सेंट्रल जेल कराची में ज़्यादातर तालीम हासिल की है, उर्दू अदीब अरबी अदीब के पेपर और 9 के पेपर भी यहीं दिए और आज मैट्रिक के पेपर दे रहा हूँ। हसन सेतो साहब जो हमारे जेल सुप्रिटेंडेंट साहब हैं उनकी क्यादत में हमने यहाँ तालीम भरपूर तरीके से हासिल की। आज 10वीं का पेपर है, आज 10वीं जर्नल साइंस। हमारे जो सीनियर सुप्रिटेंडेंट साहब है हसन सेतो साहब, उनकी बड़ी कोशिश है कि हम यहाँ से एक अच्छा इंसान बनकर निकलें और तालीम हासिल करें, और इंशाल्लाह हमारी भी कोशिश है कि हम यहाँ पढ़ लिख कर बाहर जाकर कुछ अच्छा करना चाहते। मेरी 10 साल की सजा है और आज पेपर मेरा जो है मैट्रिक का है जनरल साइंस। ये सहूलत के लिए दे रहे हैं कि उसकी माफ़ी हमें मिलेगी, ज़्यादा इस सहूलत के लिए दे रहे हैं और बाहर हमारे काम आएगी, इसलिए जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि अंदर वक्त ज़ाया करने से बेहतर है के अंदर पढ़ाई लिखाई शुरू रखे। बोर्ड इंतजामिया पारा के दिन का इम्तिहान वठण लाए पेंजो नुमाइंदो मुकरर के वियो। बोर्ड जे अमलदार के टी न्यूज के बुदायो त अज 25 के दिन का जनरल साइंस जो इम्तिहान वरतो पियो वने। मैं बोर्ड ऑफिस की तरफ से भेजा गया हूँ सेंट्रल सुप्रिटेंडेंट बन के, इम्तिहान के 9वीं 10वीं के इम्तिहान हो रहे हैं SSC Part 1 और Part 2 के, उस सिलसिले के अंदर आया हूँ यहाँ पे इम्तिहान लेने, और उसके बाद यहाँ पे इम्तिहान लेके मैं खुद ही कापियाँ और पेपर लाता हूँ और खुद कापियाँ और पेपर ले आके बोर्ड ऑफिस में जमा करा देता हूँ। 10th क्लास जनरल साइंस के पेपर हो रहे हैं आज, 10वीं का पेपर है आज और 9वीं का, कल 9वीं का पेपर है, उसमें भी स्टूडेंट, उसमें भी क्या कहते हैं तकरीबन 10 स्टूडेंट है, और आज मैं ज़्यादा भी होते हूँ भाई वगैरह 20-25 जितने भी जो इम्तिहान देना चाहता है वो इम्तिहान दे देता है, वो इम्तिहान ले लेते हैं। माहौल बहुत अच्छी सहूलत है, टीचर बहुत कोऑपरेट करते हैं, फॉर्म भरना हुआ बोर्ड जाना लाना ये सब क्या कहते हैं इन्हीं की जिम्मेदारी होती है, या जावेद साहब होते हैं उनकी जिम्मेदारी है, मैं तो बोर्ड ऑफिस से आया हूँ। अजी मैट्रिक क्लास जो पेपर है जनरल साइंस जो, वो कैदी जो तालीम पा हासिल कहना छो जो प्राइवेट फॉर्म जमा थन्द बोर्ड ऑफिस में उतार का इनविज लेटर इंदा त हर साल जो पेपर इतने कंडक्ट कर जी। मां जेल जो सेंट्रल जेल प्रिजन्स डिपार्टमेंट जो इम्प्लॉई आ, उनकी पेंजी सीट है प्राइमरी टीचर जी। जेल इंतजामिया बुदायो त हर साल कैदन जा इम्तिहान थींदा आहिनि जंहिंमें मैट्रिक ऐं इंटर बोर्ड समेत ग्रेजुएशन पिण शामिल आहे। आज जो है मैट्रिक क्लास के एग्ज़ाम है और टोटल इसमें तादाद जो है रजिस्ट्रेशन हुई 31 लोगों की, इनमें से 6 लोग रिलीज होकर जा चुके हैं, आज 25 लोग पेपर दे रहे हैं। अच्छा, जो 25 लोगों में से पेपर दे रहे हैं यहाँ मौजूद 6 जो चले गए बाहर, तो उनमें से कुछ लोग जो है उनकी फैमिली ने रब्ता किया है, हमने उनका एडमिट कार्ड उनको दे दिए ताकि वो बाहर से बोर्ड के पेपर सेंटर चेंज करा सकते हैं और पेपर दे सकते हैं नॉर्मल स्कूल के अंदर। 9th की जो रजिस्ट्रेशन टोटल 10 लोगों की हुई, उसमें से 2 लोग रिलीज हो गए जो पेपर कल होंगे। एज लिमिट नहीं है, आपने देखा होगा रिकॉर्डिंग के दौरान भी कोई एज लिमिट नहीं है। कोशिश हमारी है कि माशरे में जो लोग यहाँ आ गए हादसाती तौर पर या जाने अनजाने, कुछ लोग हैबिचुअल भी हैं, तो यहाँ से सुधर के जाएँ। आप ही लोगों के तवसुस से मैं तमाम बोर्ड्स को यूनिवर्सिटीज़ को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हम और आप मिलकर ही इस माशरे को सुधारेंगे, खाली जिम्मेदारी हमारी नहीं पुलिस की नहीं है। तो इनकी फीसिस के मामला के अंदर थोड़ा सा रिलैक्स दिया जाए, इसमें मार्कशीट निकालने से लेकर इनकी वेरिफिकेशन कराने तक डॉक्यूमेंट्स की फीसिस हैं, एग्जामिनेशन में भी लेट फीसिस हैं, तो उसमें थोड़ा सा कॉपरेट करें, चाहे वो कराची यूनिवर्सिटी हो, मैट्रिक बोर्ड हो, इंटर बोर्ड हो या टेक्निकल बोर्ड हो,
तो फीसिस के मामले में उससे क्या होगा कि महंगाई जिस तरह से पूरे मुल्क का महंगाई का शिकार है, तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट में मौजूद लोगों की फैमिलियाँ भी अफोर्ड नहीं कर सकती। हम इंतजामिया भी जो थोड़ा बहुत आपस में कॉपरेट करके कर सकते हैं करते हैं, या ये लोग अफोर्ड करते हैं। जेल इंतजामिया जो अड़ो अमल सारा जगो है जैमें कैद सभी अनपढ़ कैदन के न सिर्फ दुनियावी पर दीनी तालीम पिण डिनी वी है, जेको अमल बेन जेलन में भी जरूर होजन घुर्जे। अब्दुल्ला सोलंगी, केटीएन न्यूज, कराची। राजन कराची में सिंध के मुख्तलिफ़ इलाक़नि